खबर दिनभर मैं हूं शेख जूही। चलिए रुक करते हैं दिनभर की बड़ी खबरों की। बूंदी शहर के कोतावली थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की हत्या का मामला सामने आया है। यहां बंद कमरे में व्यक्ति का हाथ पैर बंधा शव मिला। शव 2 दिन पुराना बताया जा रहा है। बदबू और खून बाहर आने के बाद मोहल्ले वालों ने पुलिस को सूचना दी। मामले में कोई जानकारी सामने नहीं आई है। पुलिस आगे की जांच कर रही है। झलावाड़ जिले मनोहर थाना और अकलेरा क्षेत्र में शराब दुकानों के संचालन कर रहे शराब माफियों द्वारा गरीबों के साथ धोखाधड़ी जैसी काली करतूत का मामला सामने आया है। घटना का पता उस समय चला जब क्षेत्र के कुछ गरीब लोगों को आबकारी विभाग द्वारा शराब दुकानों के करोड़ों रुपए बकाए के नोटिस भेजे गए। एक महिला ने अपनी नाबालिग लड़की को ढूंढने की मांग को लेकर महिला थाने में हंगामा कर दिया। करीब 1 सप्ताह पहले लापता हुई थी बच्ची। 1 सप्ताह बाद भी पुलिस पर कार्रवाई न करने के आरोप लगाए। महिला की समझाइश में जुटी है पुलिस। केकड़ी के राजपूत समाज ने शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी की सुरक्षा की मांग उठाई। जिला कलेक्टर श्वेता चौहान को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा है। जिला अध्यक्ष महेंद्र सिंह के नेतृत्व में नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे राजपूत समाज के लोग। भाटी को सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी मिलने के बाद राजपूत समाज के लोगों में आक्रोश है। स्कूल के बाद अब दिल्ली पुलिस मुख्यालय में ईमेल के जरिए बम की धमकी मिली है। पुलिस ने इस ईमेल भेजने वाले का पता लगा लिया। ईमेल भेजने वाला नाबालिग निकला। बच्चे ने यह मेल शरारत के तौर पर भेजा था। उसके खिलाफ जेजे एक्ट के तहत कार्रवाई हुई। बच्चे की काउंसलिंग के बाद उसे उसके माता पिता को सौंप दिया गया। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 8 मई को होगी। राहुल गांधी ने रायबरेली लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल कर दिया। राहुल गांधी के नामांकन के दौरान सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई नेता मौजूद रहे। रायबरेली में 20 मई को वोटिंग होनी है। वर्तमान में पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अमेठी से डरकर राहुल रायबरेली का रास्ता ढूंढ रहे हैं। मैं भी उन्हें कहता हूं डरो मत भागो मत। सुनिए पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा। साथियों, मीडिया के कई साथी एक्सपर्ट के साथ अब भी ये अनुमान लगा रहे हैं कि चुनाव कौन जीतेगा। अब ना किसी ओपिनियन पोल की जरूरत है, ना किसी एग्जिट पोल की जरूरत है। मैं उन्हें कब से बता रहा हूं, देश बता रहा है कि भाई रिजल्ट क्लियर है। मैंने तो पहले ही कहा था कि इनकी बड़ी ने, मैंने पार्लियामेंट में कहा था, तब तो चुनाव को 2 महीने की 3 महीने की देर थी। मैंने कहा था इनकी सबसे बड़ी नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेगी, वो डर के मारे भाग जाएगी। और वो भाग करके राजस्थान गई और राजस्थान से राज्यसभा में आई, और हुआ भी यही। मैंने पहले ही बता दिया था कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं, और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा वो दूसरी सीट खोजने लग जाएंगे। और अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे, अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतने डर गए वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग गुम गुम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। और आज मैं एक और बात कहूंगा, कांग्रेस इस बार पहले से भी कम सीटों पर सिमटने जा रही है। वो पहले से कम सीटें लड़ रहे हैं तो अपने आप भी कम जाना थर्ड है। अब देश भी समझ रहा है कि ये लोग चुनाव जीतने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ देश को बांटने के लिए चुनाव के मैदान का उपयोग कर रहे हैं। झारखंड हाईकोर्ट में जेल में बंद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 6 मई को अपने चाचा के श्राद्ध क्रम में पुलिस कस्टडी में शामिल होने की अनुमति दी है।
सोरेन ने याचिका दायर कर प्रोविजनल बेल की गुहार लगाई थी, लेकिन कोर्ट ने इसे नामंजूर कर दिया। आज खबर दिन भर में सिर्फ इतना ही। दिन भर की तमाम खबरों के साथ आपसे फिर रूबरू होंगे, तब तक के लिए शुक्रिया।